हेलो चो, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन विद द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टैपिंग की के इज प्रेस्ड। तो आपको ये टैपिंग की के नजर आ रही है, कह रहे जब इसको प्रेस किया तो गैल्वेनोमीटर के साथ क्या चेंजमेंट आएगा। ऑप्शन ए अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी अ लॉन्ग टाइम डिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी नो डिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वेन एवर देयर इज अ करेंट इन अ कॉइल, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और मैग्नेटिक फील्ड ही क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे ही के, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस देयर, तो वहां क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए होगा, तो होगा क्या हमारे इस कॉन्सेप्ट में, तो ये हमारा कॉइल थी, दिस इज आर लार्जर कॉइल, एक ही में रखे हुए, यहाँ लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगी हुई थी, ये टैपिंग की थी हमारी। जैसे ही की लगे इसमें करंट आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा इससे, तो इसमें होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अदर कॉइल, दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कब कैसे होगा, ये जैसे ही इसमें करंट आएगा, तो जब तक करंट स्टेब्लिश नहीं होता तभी तक फ्लक्स पड़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आफ्टर अ मोमेंट फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट, यानी नहीं होगा। तो आप जब आप बताइए चेंज हुआ, फ्लक्स हुआ, तो चेंज फ्लक्स चेंज होने से क्या आता है, ईएमएफ आता है। तो अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन। ए आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।